बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिहार के शहर सिवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज अमल में आ चुका है और अब सिवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फायदा उठाएं। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां से पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधरने की बात होती है, सारा पुलिस महकमा का जहां जुटान रहता है, उसी राजधानी में अभी अभी एक युवक को गोली मारी गई है। अब खुद राजधानी पटना में भी अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और बड़े ही आराम से इस घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। मृतक का नाम उज्जवल कुमार है। बता दें कि जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहां से बिहार पुलिस मुख्यालय जयपुर कुछ ही कदमों की दूरी पर है। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से बहुत ही आसानी से फरार हो गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये साफ बता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब पूरी तरह से फेल हो चुका है और अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। कि गोली चली है और जो है उसको लेकर के हम जांच कर रहे हैं। अभी एक आदमी को गोली लगी, उसको जांच कर रहे हैं। किसी की फुटेज निकाला जा रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे सिवान।